क्या आपने जस्ट 10th और 12th क्लियर किया है? क्या आप डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं? क्या आप नीट JEE की बेस्ट और अफोर्डेबल क्लासेस ढूंढ रहे हैं? IITians Learns, मुमरा की नंबर 1 क्लासेस हेडेड बाय मोहम्मद शहजाद त्यागी सर। IITians Learn में थाने डिस्ट्रिक्ट या मुंबई का हर स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है। फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट केम हॉस्पिटल, आई क्रैक नीट इन 2023 विद अ स्कोर ऑफ 651। करंटली फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट JJ हॉस्पिटल। आई एम शेख सालेहा, क्रैक्ड नीट 2022 इन फर्स्ट attempt, currently doing second year MBBS at Shivaji Hospital, Kalwa. I cracked NEET 2022, which was my first attempt. Currently, I am second year MBBS student. I Sheikh Abdin, abhi main IIT Kharagpur first year engineering mein hu. Even NEET, IIT, JEE droppers aur repeaters ke liye new batch ki shuruaat ho rahi hai. कॉल करने के लिए मोबाइल मांगा और लेकर रफू चक्कर हो गया। दौसा की मोबाइल चोरी की हैरत अंगेज वारदात। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आपके साथ में भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि कोई व्यक्ति मिल जाता है या कोई युवक है, युवती है, महिला है, कोई भी है, एक बहुत अर्जेंट फोन करना है, फोन देंगे क्या? तो फोन लेकर के कई लोग फोन करते हैं, फोन लौटा भी देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपका फोन जो है लेकर मांगने वाला रफू चक्कर हो जाता है। रविवार 28 अप्रैल को कौसा कादर पैलेस और काका नगर के बीच में ऐसी ही एक वारदात घटी है अयान नाम के युवक के साथ में। उसका फोन एक युवक ने कॉल करने के लिए मांगा और थोड़ा सा आगे चलने के लिए कहा और उसी दौरान फोन पर बात करने का ड्रामा करते हुए ये युवक काका नगर में घुस गया। जैसे ही अयान उसके पीछे गया है तो ये काका नगर में एंट्री और एग्जिट एक ही दादर से होने की वजह से, एक ही जगह की होने की वजह से उसे समझ नहीं पाया, दूसरी मंजिल तक चला गया, मगर तब तक ये युवक चोर जो है मोबाइल लेकर फरार हो चुका था। वो उसकी काका नगर की CCTV की एंट्री हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और फिर इस वारदात को लेकर पुलिस स्टेशन जाने के बाद अयान ने क्या जानकारी दी है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। सावधान रहिए, इस तरह से फोन कोई भी आपसे मांग सकता है, मोबाइल कोई भी आपसे मांग सकता है और लेकर रफू चक्कर हो सकता है। भाई क्या नाम है आपका? अयान नाम है मेरा। अयान भाई, आपका फोन चोरी हुआ था, ये व्यक्ति ने आपसे फोन मांगा था ऐसा आप बता रहे थे। आप मुमरा पुलिस स्टेशन आए थे, क्या पूरा मामला था, क्या कहना चाहोगे आप? मैं सुबह के 7:30 बजे सामान लेने बाइक से निकला था तो कादर पैलेस के पास मैं, वहाँ पे एक बंदा रुका हुआ था, उसने मुझे हाथ दिखाया, मैं उसके लिए, मुझे लगा कुछ काम है उसको तो मैं रुक जाता हूँ। मैंने रुका तो उसने बोला भाई मुझे थोड़ा फ़ोन करना है, अपना मोबाइल दे सकते हैं क्या? मैं बोला ठीक है भाई, आप ले लीजिए फ़ोन। उनने फ़ोन लिए और बोले थोड़ा आगे ये बिल्डिंग तक के चलिए, मुझे बात करनी अपने भाई से, बहुत अर्जेंट है। तो मैंने सोच समझ के उनको दे दिया। कौन सी बिल्डिंग तक ले गया? कादर पैलेस की सोसाइटी के पास। कादर पैलेस सोसाइटी, हाँ। अच्छा, तो वहाँ पे रोड पे जो बिल्डिंग है वो, हाँ, रोड के नीचे ढलान के साइड पे ही है ना, हाँ, वो एक बिल्डिंग है। अच्छा, तो उसे थोड़ा पास में लेके गया, मुझे मालूम नहीं था वो एरिया कौन सा है। उसने बोला 2 मिनट भाई फ़ोन कर रहा हूँ, उसने हेलो हेलो बोला और बिल्डिंग के अंदर गया, और बिल्डिंग के अंदर के बाद जाने के बाद थोड़ा आगे गया ना वो भागने लगा, मैं देखा क्या कर रहा है, फिर मैं उसके पीछे दौड़ा जैसी, तो मैं दूसरे माले पर चढ़ गया, वो एक माले से भाग गया। मैं उधर एक अंकल मिले, मैंने उनसे पूछा कि अंकल यहाँ पे कोई लड़का गया? अंकल बोले नहीं, नीचे से एक एंट्रेंस है और एग्जिट भी वहीं से, तो वहाँ से भाग गया होगा। तो मैं वहाँ से भागा, देखा तो वहाँ पे लड़का गायब हो चुका था, मेरा मोबाइल लेके गया। अच्छा, CCTV वगैरह भी कुछ आया है क्या? हाँ, CCTV कैमरा हम लोग ने देखे, उधर इंक्वायरी की है, 3-4 CCTV कैमरा में उसकी शक्ल दिखी है, वो बाकायदा दिख रहा है एकदम अच्छे से, उसका फोटो दिख रहा है, उसका मुँह दिख रहा है। हम लोग पुलिस स्टेशन पर आए, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करे, उन्होंने कंप्लेंट लिए है, अभी बोलेंगे आगे वारंटी बताएंगे। कौन सा फ़ोन था आपका और कितने रुपये का था? लावा अग्नि 2 था और ये न्यू फ़ोन था मेरा, एकदम 3-4 महीने हुए थे लिए हुए, और ये 23,000 का था, 8 GB वाला मोबाइल, और जो चोरी हुआ। तो भाई आप मुमरा पुलिस स्टेशन आए थे तो पुलिस वाले ने क्या कहा आपको, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बोला आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, उन्होंने मेरा सिम कार्ड मांगे, उसका नंबर मांगे, उनको ट्रैकिंग पे डाले और बोले ट्रैकिंग हो रहा है, अभी अगर चालू हुआ मोबाइल तो वापस से वो बता सकते हैं, अभी वो मुझे नोटिस देंगे, 11 बजे मुझे वापस जाना है कल। वापस बुलाए हैं आप? वापस बुलाए मुझे 11 कल सुबह 12 बजे। तो फ़ोन चालू है आपका या बंद हो गया है? बंद बता रहे हैं, बंद बता रहे हैं। अगर चालू हुआ तो फिर हम लोग नोटिस करेंगे। ठीक, थैंक यू।